के जे एस स्टडी के अंदर के यूट्यूब में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो में बायोलॉजी से लगभग 100 क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी में बायोलॉजी से पूछा जाता है क्वेश्चन, यानी जो बीपीएससी द्वारा लिया जाता है और एसएससी के द्वारा, तो निश्चित ही प्रधान शिक्षक परीक्षा में बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा, अगर साइंस से पूछेगा तो बायोलॉजी से ही पूछेगा। तो बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। अगला है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, यानी फादर बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता था? अरस्तु को फादर बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसका वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? यानी फादर बोटनी के नाम से जाना जाता है, थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। अगला है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे जाना जाता है? मतलब फादर ऑफ मेडिसिन, यानी चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे जाना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को जाना जाता है। इसके बाद हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। इसके बाद चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। जो डॉक्टरी पढ़ता है उसको शपथ दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस को। अगला है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी शब्द में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। एक होता है माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फिर है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं, झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। फिर है पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। फिर है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अगला है सिल्वीकल्चर क्या है? माने सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है किसका? तो वनों के विकास को अध्ययन को हम सिल्वीकल्चर कहते हैं। अगला है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीजों का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। इसका एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है किसका? घासों का अध्ययन होता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी में। फिर है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का है, मिट्टी का अध्ययन है, भूमि का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी में। अगला है अनुवंशिकता में विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? अनुवंशिकी कहते हैं, यानी जेनेटिक्स कहते हैं। फिर है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकरण कहा जाता है इसको। इसके फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फिर परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ऑलेरिकल्चर कहलाता है। फिर है वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोकोनेलो कहा जाता है। वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोकेनोलॉजी कहलाता है। अगला है पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी कहा जाता है। पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन को शारीरिकी कहा जाता है। फिर माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इससे पहले देखे हैं कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है और शैवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला एक्जोबायोलॉजी में निम्नलिखित में किसका अध्ययन होता है? तो बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष के में जीवन का। इसका जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर कहलाती है। फिर है अगला है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। फिर द्विनाम पत्ति के प्रतिपादक कौन है? तो लिनियस को द्विनाम पत्ति के प्रतिपादक माना जाता है। इसका पुष्पी पादपों को रखा जाता है, जिस पौधों में पुष्प खिलता है उसको रखा जाता है फेनोरोगेम्स में रखा जाता है, और जिसमें पुष्प नहीं खिलता है उसको क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। इसको क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है, जिसमें पुष्प रहता है उसको फेनोरोगेम्स में रखा जाता है। अगला है यही देखें, अपुष्पी पादपों में रखा जाता है किसको? क्रिप्टोगेम्स को। अपुष्पी पादपों को रखा जाता है क्रिप्टोगेम्स में। अगला है वर्गीकी की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पेसीज है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई होता है स्पेसीज, यानी जाति। अगला है हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अगला है जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? तो अनावृत बीजी कहलाता है। अगला जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लीवेनहॉक ने किया था। फिर निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के ही
पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसको, मतलब कोशिका के पावर गृह किसको कहा जाता है, माइटोकंड्रिया को। तो माइटोकंड्रिया अनुपस्थित किसमें होता है, तो जीवाणु में माइटोकंड्रिया अनुपस्थित होता है। फिर जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है, तो छह रूपी। जीवाणुओं की जो साधारण आकृति वो छह रूपी यानी बैसिली होता है। इसका जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे है उसे क्या कहा जाता है, तो गुलाणु कहा जाता है, यानी कोकू कहा जाता है, कोकी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं गुलाणु यानी कोकी कहलाते हैं। अगला, निम्न से सबसे छोटा जीव कौन है, तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है। अगला है, मानव के आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कौन होता है, तो एसर सीरिया कोलाई मानव के आंत में पाए जाते हैं। इसके बाद तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस यानी यक्ष्मा उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है, तो माइकोबैक्टीरियम जो टीबी उत्पन्न करता है। इसके बाद एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जी फोर जीवाणुओं से एंटीबायोटिक्स प्राप्त होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो तपेदिक टीबी जो होता है बैक्टीरिया से होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, तो हैजा भी जीवाणु से होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, कुष्ठ भी जीवाणु से होता है। इसके बाद किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। फिर दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो राइजोबियम दलहनी पौधों के जड़ में पाया जाता है, राइजोबियम जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। फिर आता है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था, इवानोवस्की ने विषाणु की खोज सर्वप्रथम किया था। फिर निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं, तो विषाणु में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसके बाद है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया विषाणु से उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया विषाणु द्वारा होता है, और हाइड्रोफोबिया जानवरों यानी कुत्तों के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, जो एक वायरस होता है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग हो जाता है क्या कहलाता, तो है हाइड्रोफोबिया, जो विषाणु जनित है। अगला है, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया। अगला है, विषाणु वृद्धि करता है, केवल जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है और मृत कोशिका में नहीं वृद्धि करता है। अगला है, एड्स का कारण क्या है, एड्स वायरस के कारण विषाणु के कारण होता है, एड्स जो होता है विषाणु के कारण होता है, एच आई वी। इसका अगला है, HIV संबंधित का एड्स से संबंधित है, जो एक विषाणु है। अगला, एड्स फैलता है किससे, शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है। फिर है, सार्स क्या है, सार्स का एक विषाणु जनित रोग होता है, सार्स भी एक विषाणु जनित रोग होता है। इसका खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो खसरा भी विषाणु के कारण होता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, तो इसमें यक्ष्मा विषाणु कारण होता है, तो यक्ष्मा जीवाणु कारण होता है, हैजा जीवाणु कारण होता है, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है, लेकिन चेचक जो होता है विषाणु कारण होता है। अगला है, जंतुओं में होने वाला फूट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है, तो विषाणु कारण होता है, जंतु में होता है फूट एंड माउथ रोग होता है, वो किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। अगला है, आलू में मोजैक रोग है, मोजैक डिजीज का कारण क्या है, तो विषाणु, आलू में जो मोजैक रोग हो जाता है वो विषाणु के कारण होता है। फिर है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। इसके बाद है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो लैमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। फिर केल्प किससे प्राप्त होता है, समुद्री शैवाल से केल्प प्राप्त होता है, कहीं समुद्री घास भी ले जाता है, तो समुद्री घास या समुद्री शैवाल से केल्प प्राप्त होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होता है, तो शैवाल स्वपोषी होता है। फिर लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो शैवाल के कारण, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है, तो शैवाल के कारण होता है। इसका अगर किससे प्राप्त होता है, तो शैवाल से अगर प्राप्त होता है। इसके बाद है, कवकों कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवकों कोशिका भित्ति काइटिन और हेमिसेलुलोज की बनी होती है, काइटिन और हेमिसेलुलोज की बनी होती है। अब इससे पहले देखे थे शैवाल की उसका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला है, कवकों द्वारा रिजर्व यानी संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। कवकों द्वारा रिजर्व यानी संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इसका सभी कवक सदैव होते हैं, क्या होते हैं, विविध पोषी होता है, सभी कवक जो होता है हमेशा विविध पोषी होता है। अगला है, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाता है, तो कोर्टिकोलस कहलाता है, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को कोर्टिकोलस कहते हैं। इसके बाद गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाता है, तो गोबर पर कोप्रोफिलस कहा जाता है उसको, गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस कहते हैं।
फिर है आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, आलू में एक रोग उत्पन्न होता है उसका नाम है लेट ब्लाइट, किसके कारण उत्पन्न होता है, तब फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा, फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। अगला है डबल रोटी का निर्माण में काम आने वाला कवक कौन है, तो साइक्रोमाइसिस सेरेविसी, साइक्रोमाइसिस सेरेविसी होता है। इसका पेनिसिलियम क्या है, तो पेनिसिलिन एक कवक है। फिर है पेनिसिलिन की खोज किसने किया, तो एम फ्लेमिंग ने किया, पेनिसिलिन की खोज एम फ्लेमिंग ने किया था। इसका अर्गोट प्राप्त होता है, अर्गोट किससे प्राप्त होता है, तो क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है, अर्गोट जो प्राप्त होता है क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। फिर ईस्ट में, ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन द्वारा, ईस्ट में जो कायिक जनन होता है किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। इसके अनुच्छेद में से कौन खाने योग्य कवक है, तो एगेरिकस, एगेरिकस जो है खाने योग्य कवक है। फिर है प्रथम पृथक किया गया प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक था कौन था, पेनिसिलिन सबसे पहले पृथक किया गया प्रतिजैविक एंटीबायोटिक था, पेनिसिलिन था। फिर है टिक्का रोग, टिक्का डिजीज किस में होता है, तो मूंगफली में टिक्का डिजीज होता है, मूंगफली में टिक्का डिजीज होता है। इसका गन्ने में लाल सन रोग उत्पन्न होता है किसके कारण, कवकों के द्वारा, गन्ने में जो लाल सन रोग होता है वह कवक के द्वारा होता है। इसके बाद प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन था, तो अभी देखे थे पेनिसिलिन। इसके बाद एथिल फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है, तो कवक के द्वारा होता है, इससे पहले थे फुट एंड माउथ, और यह एथिल फुट, एथिल फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। फिर लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे कौन है, तो कवक और शैवाल के बीच को कड़ी है, कड़ी है लाइकेन, लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होता है। तो लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता हुए पौधे है कवक और शैवाल है। इसके बाद रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग लाया जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है, लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला है पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहा जाता है, तो कॉर्टिकोलस कहा जाता है, कॉर्टिकोल्स कहा जाता है। इसके बाद खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकोन क्या कहलाता है, तो सेक्सिकोल्स कहलाता है, पेड़ खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकोन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। इसके बाद मिर्गी, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, तो परमेलिया से, मिर्गी की औषधि परमेलिया से परमेलिया नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह वनस्पति जगत के उभयचर है, तो ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं। फिर है जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है किस में, ब्रायोफाइट्स में, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है किस में, ब्रायोफाइट्स में। इसके बाद एजोला है, एजोला क्या है, एक जलीय फर्न है, एजोला जो है एक जलीय फर्न होता है। फिर निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग होता है, तो लाइकोपोडियम के बीजाणु को दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर है सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है, तो टेड्रोफाइट्स में, टेड्रोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है यानी गुणसूत्र पाया जाता है। अगला है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में, यानी इस पर बीज बनते हैं लेकिन बीज जो होता है नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, तो कौन है, जिम्नोस्पर्म हो गया। अगला है जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है चिलगोजा को, चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। इसके बाद है कोरेलाइड, कोरेलाइड जड़े पाए जाते हैं किस में, साइकस में कोरेलाइड जड़े पाए जाती हैं। इसके बाद सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है, तो साइकस, साइकस में सबसे बड़ा बीजांड होता है। फिर चिलगोजा किससे प्राप्त होता है, तो पाइनस, पाइनस से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। अगला है साबुदाना किससे प्राप्त होता है, तो साइकस, साइकस से साबुदाना प्राप्त होता है, साबुदाना प्राप्त होता है साइकस से। इसके तो इस तरह से लगभग 100 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखे हैं जो प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आगे फिर अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।